हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीप लोहिया और वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जिसका अगर आपने करेक्ट आंसर दिया कमेंट के अंदर तो मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। और अभी देखिए, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने फ्लाइट ले ली है और मैं गोवा पहुँच चुका। और ऊपर से देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है गोवा का, यू कैन सी, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं गोवा एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं, मैंने बैग अपने लगेज कलेक्ट कर लिए हैं और मैं जा रहा हूं अपनी टैक्सी के लिए जो मैंने गोवा माइल्स एप्लीकेशन थ्रू बुक की थी। तो देखते हैं, सबसे पहले बाहर निकलते हैं। तो ये बाहर का व्यू है। तो जल्दी से अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने होटल में जहाँ मैंने स्टे आज के लिए बुक किया था। तो देखिए, मैं यहाँ पे आज मैंने स्टे के लिए बुक किया था। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। आई बुक विद द रेफरेंस ऑफ वन माई रिलेटिव। और ये देखिए, इस, चलो मैं अंदर का एक थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ कि जहाँ मैं रुका था अंदर का। अगर इनके साथ ही रुकते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा गेस्ट हाउस कैसा है यहाँ का। तो ये एक लॉबी एरिया है, ड्राइंग रूम। तो कोई गेस्ट आता है तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो और किचन अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ अपना रूम, आपको दिखाता हूँ एक छोटे सी लुक। एक ये दिस इज़ नॉट अ लग्जरी, बट ये है कि हाँ, रहने का मुझे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा है तो मैंने वो कर लिया। तो मैंने अपने बैग वगैरह रखे और मैं अभी यहाँ पे से जा रहा हूँ कैंडलिंग बीच की तरफ। तो मैं वॉकिंग जा रहा था क्योंकि आज लेट हो गया, इसलिए मैंने कोई बाइक वगैरह अभी रेंट पे नहीं करी है, तो वॉकिंग डिस्टेंस से। तो ये है कैनोलिम बीच गोवा। तो इस तरह से यहाँ पे चेयर शैक वगैरह लगे होते हैं, सामने समुंदर होता है, लोग चेयर पे बैठ के चिल करते हैं, बियर पीते हैं, म्यूजिक को इंजॉय करते हैं और समुंदर की आवाज़ को भी वो इंजॉय करते हैं। तो इस तरह से म्यूजिक वगैरह चलते रहते हैं और क्लब वगैरह यहाँ पर बने होते हैं बीच के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 11 बजे तक यहाँ पे 11 या मैक्स 12 बजे तक चलता रहता है, बट ये है आफ्टर 11 o'clock लाइक दे, मतलब म्यूजिक वगैरह वो कम कर देते हैं। तो लेट हो गया था इसलिए मैं नियर बाई एक हॉस्टल में रुक गया क्योंकि होटल मेरा दूर था यहाँ से। तो यहाँ इस हॉस्टल में देखो सब कुछ है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, प्राइवेट आपको एक लाइट भी मिलती है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि ये बंकर है, लाइक इन वन रूम देयर इज़ अ 6 बंकर। सो आई प्रेफर टू बी स्टे इन हॉस्टल हेयर, सो दिस इज़ लाइक क्वाइट गुड क्योंकि एसी वेसी सब है। तो चलिए मैं इस हॉस्टल का आपको दिखा देता हूँ। इनकेस अगर आप कैंडलिंग बीच आते हो और आप स्टे करते हैं हॉस्टलर में, तो इसका नाम है हॉस्टलर और इनकी खुद की वेबसाइट है जहाँ से आप बुक कर सकते हो डेली बेसिस पे, या फिर आप जितने दिन चाहे उतने दिन का एक साथ बुक कर सकते हो। तो इस तरह से बना है, स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या एक्टिविटी एरिया जहाँ पे आप प्ले कर सकते हो, चेस कर सकते हो, टेबल फुटबॉल खेल सकते हो। और यहाँ पे चलो मैं आपको क्विक टूर करवाता हूँ रूम का भी। तो जैसे ही एंटर करेंगे रूम में, एक ये काइंड ऑफ ड्राइंग रूम है जहाँ पे बैठ के आप चिल विल कर सकते हो, बातें बातें कर सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो क्योंकि हॉस्टल है, अलग अलग जगह से इवन फॉरनर भी आते हैं। तो इस तरह से ये रूम होता है जिसमें 5 से 6 बंकर होती हैं। तो जब आप बुक करते हो तो आपको दिखाता है कि आप 4 बंकर वाला या 6 बंकर वाला रूम बुक करना चाहोगे। तो प्राइस अलग अलग वेरीज करते रहते हैं डेली बेसिस पे भी। तो ये बालकनी लुक है, देखिए कपड़े सुखाने के लिए मतलब लोगों ने यूज़ की हुई है चेयर वगैरह। तो देखिए आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी किया जा रहा है और आपको बंकर बेड में देखिए इस तरह से लॉकर भी मिलता है। ये लॉकर काफ़ी बड़ा है, मेरा बैग पैक बहुत बड़ा था, इस लॉकर में काफ़ी अच्छे से फिट हो गया था वो बैग। तो एक सेकेंड एरिया देखिए, इसमें साथ में अटैच एक किचन टाइप एरिया होता है बट जो कि वर्किंग पे नहीं था तो लोग कपड़े सुखा रहे हैं। तो एक दूसरी बालकनी है जिसमें सीधा आपको मेन रोड दिखेगा बालकनी से, तो मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे है ये वाला। और ये देखिए मैंने अब स्कूटी रेंट कर ली है जो कि मुझे मिली थी 450 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, कम प्राइस में भी थी लेकिन वो दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अब ये कैंडलम बीच का मॉर्निंग व्यू। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है मॉर्निंग में, लाइक इट्स काइंड ऑफ आप बस बैठ जाओ और बस समुंदर को देखते रहो, काइंड ऑफ मतलब इतना पीसफुल व्यू होता है ये वाला। और लाइक बाकी मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो, और सेम हॉस्टल से ही थे जो
जिनसे मैंने वीडियो बनवाई कि लाइक हॉस्टल में रहने का यही फ़ायदा है, आपके दोस्त बन जाते हैं और आप काम आ जाते हैं अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड यार प्लीज़ बना दो यार वीडियो, जैसी मर्जी बना दिए लेकिन बना दो एटलीस्ट, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी खुद की भी शक्ल आ जाए। तो देखिए मैं लाइक अभी चिल कर रहा हूँ, मतलब समुंदर में, गोवा में आए हो और समुंदर में नहीं उतरे तो लाइक क्या फ़ायदा। बट ये है कि यहाँ दिस इज़ मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था समुंदर में, और लाइक क्वाइट मतलब ठीक है, अच्छा है, बट ये है कि आप जैसे ही जाते हो अंदर पूरा रेत रेत हो जाते हो, लाइक ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब कपड़ों में भी पूरा रेत चला जाता है। तो मतलब आपके पास कपड़े होने चाहिए एक्स्ट्रा जब, ताकि आप वापस जाने के टाइम आप पहन सको उसको। तो देखिए मैं इब्राहिम जॉन इब्राहिम की तरह शर्ट निकाल के बॉडी दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेकार है, बट ठीक है यार, वो तो वीडियो को मैं देखने के पता चला है, बट फिर भी मैंने डाल दिया, मैं कोई बात नहीं कंटेंट कुछ भी मिले डाल दो तो ठीक है, बहुत चिल करी मैंने, मस्ती करी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो खुद से बनाई सेल्फी टाइप की। ये देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो यहाँ पे चिल करने के बाद और समुंदर आपको दिखा दिया है मैंने, ये देखिए किस तरह से लाइक मतलब अमेजिंग, मतलब अब पता लग गया कि लोग गोवा ही क्यों प्रेफर करते हैं आने के लिए। बाकी ये है कि गोवा मतलब काफ़ी सारे बीचेस हैं, और भी मैं आपको दो तीन बीचेस और दिखाऊंगा आगे, आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी बीच के बाद रेत वेत हो गया था, तो बैक टू मैं अपने हॉस्टलर आ गया जहाँ मैं स्टे किया था, और यहाँ पे मैं नहाने धोने के बाद स्विमिंग करने लग गया। तो ये देखिए ये मेरी तरफ देख रहे थे, कह रहे कि कौन पागल है जो स्विमिंग वाले गॉगल्स पहने नहीं, दूसरी गॉगल्स पहन के स्विमिंग कर रहे हैं, बट इनको क्या पता है। लाइक यार अब गोवा आए हैं, पैसे लगाए हैं, टशन तो थोड़ा बात नहीं है ना, तो थोड़ा अच्छा दिखना बनता है यार। तो आराम से मैंने पूल में बियर वियर पी, म्यूजिक लाउड चल रहा था पीछे ऑलरेडी, क्योंकि हॉस्टलर है नीचे म्यूजिक चलता रहता है, काफ़ी अच्छी वाइब है इस हॉस्टल की, मतलब एज कम्पेयर टू मैंने देखे काफ़ी हॉस्टल में रहा हूँ, लेकिन ये वाला हॉस्टलर सबसे बेस्ट हॉस्टलर है जो कि गोवा में है। इनकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप पर डे के हिसाब से या दिनों के हिसाब से कर सकते हो। तो जैसी रात हुई तो मैं गया बागा बीच किटोस लेन पे, जहाँ पे सारे की क्लब होते हैं, यहाँ पे म्यूजिक मस्ती क्लब मतलब काफ़ी है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे क्राउड रहता है, इवन मैं देखो आप गर्मियों में गया हूँ लेकिन क्राउड फिर भी यहाँ पे था, काफ़ी क्राउड था यहाँ पे नो डाउट। तो बाकी मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप क्लब में किसी में भी जाते हो तो मतलब ऐसे क्लब में प्रेफर किए कि बाहर से आपको क्राउड देखने को मिले, लाइक क्राउड आपको दिख जाए कि किस तरह का क्राउड अंदर है, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज़ आप रिक्वेस्ट कीजिए कि पहले मैं अंदर जाके देखूंगा, अगर मुझे सही लगा क्राउड वाइज तो मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, एंट्री कर लूँगा। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखिए सामने से ही पता चल रहा है कि क्राउड कैसा है, म्यूजिक कैसा है, मस्ती कैसी है, राइट। तो मतलब इस तरह से प्रेफर कीजिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइक वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा, क्यों रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो मैं यहाँ पे गया था इस क्लब में जिसका नाम है द वाइट गोवा, मैं आपको उसके दिखा देता हूँ। ये देखिए हाई अबीजा के जस्ट बगल में है, तो बाहर से देखिए बालकनी टाइप है और अंदर जो है आप मानेंगे नहीं, लाइक अंदर ऐसा कर रखी कि दो तीन रूम अटैच करके बस डीजे चला दिया है, और क्राउड इतना बेकार था इसके अंदर कसम से। तो मैं तो जस्ट मैंने पे ऑलरेडी कर दिया था, इसलिए मैं बाहर बैठा अपना यही बालकनी वाले एरिया पे, और यहीं पे बियर बियर पी और मस्ती करी मैंने, इंजॉय किया, म्यूजिक किया, आते जाते लोगों को देखा। और बाकी इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया था, फिर यहाँ पे अंदर लड़ाई होगी तीन लोगों की एक किसी स्टाफ मेंबर के साथ, तो आप मानेंगे नहीं कि स्टाफ मेंबर ने देखो कितनी बुरी तरह से पीटा उनको, लाइक कितने लोग मिलके सिर्फ दो जनों को पीट रहे थे। चलो छोड़ो ये सब बातें होती रहती है, बट हाँ अभी डे थ्री है और मैं जा रहा हूँ अंजना बीच। तो अंजना बीच में मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ, ये नाम हॉस्टल मंडाला। तो ये अंजना बीच से जस्ट 500 मीटर है, तो इसका भी मैं आपको क्विक टूर करवा देता हूँ कि इनकेस अगर फ्यूचर में रहते हो तो आप कर सकते हो, देख ऑप्शन कर सकते हो उसको। इवन मैं फ्री में एडवर्टाइजिंग की कर रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया इन्होंने, बट ठीक है, आई होप नेक्स्ट टाइम दे विल रिमेंबर दिस थिंग।
तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने रखी हुई है कि स्कूटर वगैरह और प्लस जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि चाहिए होती हैं वो सब इन्होंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे बाहर ही। तो वो रूम था और ये एक तरह से ड्राइंग रूम है जहाँ पे बाहर सब बैठ के चिल करते हैं, क्योंकि अभी समर में आया हूँ, नॉन सीजन है या सीज़न नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा खाली है। बेसिक चीज ही आपको मिलती है किचन की, पानी गर्म करना एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। यहाँ पे मैंने बंकर रूम लिया था, एक रूम में ऑलमोस्ट ये 8 बंकर बने हुए थे। तो ये वॉशरूम भी था, काफ़ी साफ सुथरा वॉशरूम था यहाँ पे भी। और ये पे बंकर इस तरह से लाइक एसी वगैरह सब कुछ लगा होता है, यहाँ पे लॉकर भी मिलता है आपको सामान रखने के लिए। और यहाँ पूरे मतलब 8 बेड थे, सिर्फ मैं ही अकेला यहाँ पे स्टे कर रहा था क्योंकि सीज़न नहीं था तो कोई आया नहीं हुआ था लाइक। बट मेरे लिए अच्छा था क्योंकि क्वाइट पीसफुल था मेरे लिए। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ आपके टेरेस पे, तो टेरेस से कैसा लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हो तो यहाँ पे टेरेस पे बैठ के आराम से बियर शेयर पियो, चाय कॉफ़ी पियो, चिल मस्ती करो। और अगर सामने देखो वहाँ पे जो है ओपन टेरेस देखो, वो कैफ़े है, वो क्लब है काइंड ऑफ। दिन में म्यूजिक चलता है, रात को म्यूजिक चलता है, काफ़ी मतलब बैठे रहो और आप चाय सिप लेते रहो और आप देखते रहो नज़ारे, काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है। बाकी अगर मैं बीच व्यू कहूँ या ओशन व्यू कहूँ तो वो देखो सामने मैं दिखाता हूँ, वो छोटा सा पार्ट यहाँ से जो दिखता है समुंदर, वो देखिए ये थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे समुंदर का पार्ट सा देखने को मिलता है, क्योंकि घर काफ़ी आगे काफ़ी घर हैं तो मतलब इतना अच्छा व्यू नहीं आता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंजना बीच पे, जो कि 500 मीटर अवे था वो होस्ट मंडाला हॉस्टल से। तो अभी जल के मैं आपको दिखाता हूँ, और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कमी लगी आपको, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आगे ध्यान में रखूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ अंजुना बीच पे, और दिस इज़ अ व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, मतलब एज कम्पेयर टू अगर मैं कहूँ कैंडलम बीच, इट इज़ क्वाइट बेटर क्राउड के मामले में भी और क्लीननेस के भी मामले में भी, मतलब काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे लोग आराम से मतलब कोई सर्फिंग वगैरह तो खैर मैंने देखा नहीं किसी को करते, लेकिन समुंदर में काफ़ी दूर दूर तक नहाते हुए लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी दूर, मतलब मुझे तो इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती है बट मतलब मैंने व्यू देख देख के ही काफ़ी मतलब मज़े किए। तो ये देखिए इस तरह से लोग इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, सोलो आते हैं, कपल आते हैं। तो मोस्टली मतलब मैंने देखा है कि लाइक जितना भी यहाँ पे क्राउड था काफ़ी क्वाइट गुड था, मतलब मोस्टली जो थे लाइक साउथ इंडियन थे यहाँ पे, मे बी लाइक उनको इसी सीज़न में आना पसंद होता है यहाँ पे। हार्डली आई सी लाइक नॉर्थ इंडियन फेस और एनी अदर लाइक नॉर्थ ईस्टर्न और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बाकी ये देखिए मैंने भी अपना बियर शेयर खोली और बस इंजॉय करने लग गया अपना बीच व्यू को, सामने बीच, हाथ में बियर, व्हाट इमेजिनेशन यू कैन गो राइट। तो पूरा मैंने फुल मस्ती की, मौज मस्ती की, बियर पिया एंड म्यूजिक वगैरह चल रहा था पीछे से, लाउड म्यूजिक, और जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना उसी तरह मैं तो लाइक आई वाज इन दैट काइंड ऑफ जोन। तो देखिए आप आगे आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि अगले नेक्स्ट डे मैं आप जाऊँगा आरंबोल बीच। तो आरंबोल बीच कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अभी रात हो गई है, तो रात को मैं गया क्लब पर्पल मार्टिनी, ये अंजुना बीच के जस्ट मतलब आप ऊपर ही है, मतलब ये क्लब बना हुआ ऊपर और नीचे समुंदर, इस तरह से आप बैठोगे चेयर पे तो नीचे समुंदर दिखेगा और ऊपर ये क्लब है, और म्यूजिक और बहुत अच्छा है और एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अभी नेक्स्ट डे डे 4 है और अभी मैं जा रहा हूँ आरंबोल बीच। तो आरंबोल बीच में कैसा होगा मैं आपको दिखाऊँगा, बट उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जस्ट प्लीज डू कमेंट ओके, लेट मी नो हाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, व्हाट इज़ द लाइक रीज़न यू डोंट लाइक इट और व्हाट इज़ द रीज़न यू लाइक इट राइट एवरीथिंग। सो दिस इज़ आरंबोल बीच, आई ऑलरेडी रीच। तो ये मेरा हॉस्टल है जिसका नाम है 12 मॉन्क्स, ये बीच के बेस ऊपर है, मतलब
आप ये नहीं कहोगे 10 मीटर 15 मीटर अवे, नो, इट इज ऑन द बीच, दिस इज, यही एक अच्छी बात है इस हॉस्टल की। बाकी ये हॉस्टल लाइक मैंने अगोड़ा से बुक किया था तो उन्होंने मैं वहाँ गया, सरप्राइज हुआ, वो कह रहे कि हमारे पास कोई बुकिंग नहीं, हम अगोड़ा से बुकिंग नहीं लेते हैं। तो बहुत ही मेरे लिए लाइक सरप्राइज था, बट ठीक है, मतलब जो भी था, बट उन्होंने मुझे कैबिन दे दिया ये वाला बंकर वाला, कि 600 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया। तो एसी वगैरह लगा हुआ था, 6 बेड से टोटल यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे कुछ जैसे कि बाकी हॉस्टल में था लाइक वो सब नहीं था, बट ये था ये आपको रात गुजारनी है। और ये थोड़ा सा वॉशरूम दिखा दूँ कि इतना लाइक क्लीन नहीं था, बट ठीक है, आपको बीच के ऊपर नाइट स्टे करने को मिल रही है, और क्या चाहिए आपको, राइट? तो क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही था कि हाँ, मतलब आप कहीं और जाओ, इससे अच्छा तो इसी को ही यहीं रह लो। और ठीक है, 600 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से बेस्ट था मेरे लिए। तो ये आरंबोल बीच है, लाइक पूरा व्यू है, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरनर्स वगैरह ऐसे ही लेटे रहते हैं और बीच का व्यू लेते हैं। तो अगेन मैंने आई रिक्वेस्टेड समबडी प्लीज़ मेक माई वीडियो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो, राइट? सो मतलब ठीक है, रिक्वेस्ट करने पे बाद उन्होंने वीडियो बना दी मेरी। तो अगेन ये आरंबोल बीचेस पे लाइक काफ़ी सारी ये शॉप्स बनी होती हैं साइड में, तो इस इन शॉप्स में लाइक किस तरह का सामान मिलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी लुक देखिए आप, और बाकी ये देखिए कपड़े वपड़े यहाँ पे लाइक काफ़ी स्टफ मिलता है, टी शर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह, यहाँ पे चप्पल वगैरह फुटवेयर आपको मिल जाएगा इसी बीच के ऊपर ही। तो अभी मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ आगे इसको क्रॉस करने के बाद एक और बीच आता है जो कि पार्ट ऑफ आरंबोल बीच, बट इसको काइंड ऑफ पीपल प्राइवेट बीच भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा बीच है, मतलब काफ़ी क्वाइटफुल है, यहाँ पर पत्थर वगैरह पड़े होते हैं और आपका फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक, काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटो आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, और यहाँ पर आने का रीज़न ये था कि स्वीट लेक, लाइक आई हर्ड अबाउट स्वीट लेक कैसी होती है कैसी नहीं होती लाइक स्वीट लेक, बट मैंने आई नेवर विजिटेड देयर। सो मैंने सोचा कि चलो अब इतनी दूर आए हैं तो स्वीट लेक भी देख के चलेंगे। तो स्वीट लेक मतलब नाम से तो ऐसा लगता था कि उसका पानी मीठा होगा, बट आई डिडंट टेस्ट इट, सो आई डोंट नो मतलब इसको स्वीट लेक क्यों बोला जाता है, बट या तो ये है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये लाइक स्वीट लेक है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब काइंड ऑफ सिनेमैटिक है, लाइक जैसे हम छोटे होते वो बनाते थे ना सीनरी टाइप सा, वैसा ही व्यू था इसका। तो यहाँ पे लोग लेक के अंदर खेल रहे थे, फुटबॉल से वॉलीबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल से वॉलीबॉल माय गॉड, ओके सॉरी। एंड अगेन लाइक वहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस था जहाँ पे मोस्टली फॉरनर्स लोग जाते हैं, जिसको बोलते थे चिकनी मिट्टी लेक। तो हमने सोचा चलो अब इतनी दूर आए हैं तो वहाँ पे भी जाके देखते हैं, तो हम गलत रास्ते चले गए थे, तो अभी वापस जा रहे हैं और दूसरे रास्ते की तरफ जहाँ पे हमें मिलेगा लाइक चिकनी मिट्टी देखने को। तो ये था सीक्रेट रास्ता, ये काफ़ी मतलब अंदर था, ऑलमोस्ट आप ये कह दीजिए 4 से 5 किलोमीटर हमने अंदर ट्रैवल किया, और इतना ख़तरनाक रास्ता था और डर भी लग रहा था क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और लाइक और वो सीधा ही बोलते थे कि अंदर कुछ भी हो सकता है, आप मत जाइए। तो वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए थे, जाना अलाउड नहीं है, बट वही क्यूरियोसिटी भी थी और अंदर डर भी था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ना क्वाइंट मतलब छोटे छोटे से पॉन्ड टाइप से बने होते हैं, ऊपर से पानी आता है और यहाँ की मिट्टी जो होती है वो चिकनी होती है। तो यहाँ से फिर हम आगे गए और क्योंकि हमें कोई दिखा नहीं यहाँ पे कि हाँ मतलब फॉरनर वगैरह, जिस तरह से सुना था कि हाँ इस तरह से कंसेप्ट है यहाँ पे, तो फिर हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं थोड़ा और आगे जाके देख ले कि अब तक कुछ देखने को मिले कि अच्छा सा लेक काइंड ऑफ पॉन्ड व्यू और कोई छोटा सा चिकनी मिट्टी का तालाब होगा कुछ भी होगा जो कि स्किन के लिए अच्छी होती है, जहाँ पे लोग जाके नहाते। तो हमने देखा चलो आगे और चलते हैं। तो चलते चलते हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमने देखा कि हाँ वहाँ पे वाकई में लाइक 10-12 फॉरनर जो हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो काइंड ऑफ दे आर लाइक इंजॉइंग देयर प्राइवेट टाइम हेयर। तो उनको मैंने वीडियो में इसलिए शूट किया क्योंकि लाइक इट्स नॉट अ गुड थिंग इफ समबडी इन्वॉल्व इन समबडी प्राइवेसी।
तो और आगे गए हम तो देखा बहुत अंधेरा हो गया था, क्योंकि जंगल के इतने अंदर चले गए थे कि ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू गो मोर अहेड, तो हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। तो इसलिए हम वापस आ गए बैक टू बीच। तो ये देखिए फिर से वहीं जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी सीक्रेट प्लेस के लिए, जो कि एक्चुअली हमें नहीं मिला, क्योंकि नो डाउट लाइक नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। तो ये देखिए आरंबोल का एक छोटा सा फिर से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से इतना सुंदर है। ये एक्चुअली आरंबोल की दूसरी साइड का व्यू है, आरंबोल दूसरी साइड था। तो ये स्वीट लेक के पास जो है व्यू है, और ये प्राइवेट है बीच। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे लाइफ गार्ड वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी ओन ड्यूटी पे यहाँ पे रहते हैं। तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और इस तरह से देखिए। और बाकी इस साइड भी आपको कैफ़े वगैरह मिलते हैं आपको कुछ खाना पीना हो। बाकी टिप्स यही है, गोवा माइल्स आप डाउनलोड करके जाइए गोवा में, और यूज़ कीजिए booking.com instead of Ogeda। और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल में स्टे करिए रैदर देन होटल, बिकॉज हॉस्टल में क्या है आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। तो आप रेडी हैं गिफ्ट के लिए? तो गिफ्ट के लिए क्वेश्चन है कि जो मैंने थर्ड डे स्कूटी ली थी उसका स्कूटी का नंबर क्या था? तो कमेंट करिए, और अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो आप जीतेंगे एक सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तो बाकी जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है deeployer, यू कैन फॉलो मी देयर। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट देन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल